दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौथी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी के समन पर केजरीवाल ने लिखित जवाब भेजा है। केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब वो आरोपी नहीं है तो फिर उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है जिससे वो आगामी चुनावों में प्रचार ना कर सके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 18, 19, 20 जनवरी का 3 दिवसीय गोवा दौरा है। इस दौरान गोवा जाकर वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 2024 के चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा, उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूं, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है, तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का, ये सम्मन और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद है।